हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? अच्छे हैं। थैंक यू। आज हम लोग सीखेंगे दशमलव संख्याओं का घटाव। दशमलव संख्याओं का जोड़ और घटाव में बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं होता है। जोड़ आप लोग बनाने के लिए सीख गए हो? दशमलव संख्याओं का जोड़ कैसे बनता है जान रहे हो? तो जोड़ में जोड़ना है और घटाव में घटा देना है। मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए सॉल्व कर देता हूँ, इसे ध्यान से देखें। सबसे पहले इसे इस तरीका से लिखना होगा, 17.35। इसमें से माइनस करना है कितना, 12.03। इसके बाद यहाँ पर माइनस का चिन्ह जरूर देंगे, ठीक है। अब आपको घटाना है, 5 में से 3 जाएगा, 3 में से 0 जाएगा, 7 में से 2 जाएगा और यहाँ 0। और डेसिमल के नीचे डेसिमल जरूर देना है, ठीक है। भुलाना नहीं है, अगर भूल जाओगे तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 1.315, इसमें से माइनस करना है, 1.315। कोई दिक्कत? डेसिमल के ठीक नीचे डेसिमल रखना है, हमेशा रखना है। जब भी आप लोग दशमलव संख्याओं का जोड़ या घटाव बनाओ तो सबसे पहला ध्यान आप लोगों का जाना चाहिए दशमलव पर, कि दशमलव के नीचे ठीक दशमलव मैं लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा हूँ। ओके, अब हम लोग घटाएंगे, 5 में से 3 जाएगा 2, 1 में से 0 माइनस होगा, 3 में से 1 माइनस होगा, 1 में से 0 माइनस होगा, यह आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, 48.2, इसमें से माइनस करना है 0.37, ठीक है। 48.2 माइनस करना है 0.37। यहाँ पर देखें 7 के ऊपर कोई अंक है तो आप एक यहाँ पर 0 बैठा दें, ठीक है। 0 से 7 माइनस होगा नहीं होगा? जब 0 से 7 माइनस नहीं होगा तब हम लोग क्या करेंगे, इसे पैंचा लेंगे, उधार लेंगे। कितना उधार लेंगे, 1.10 उधार लेंगे। तो यहाँ से 1.10 उधार ले लिया 0, तो इसके पास कितना आ गया, 10। 10 में से 7 घटेगा तो कितना आएगा, 3। यहाँ कितना बचा, 1। अब 1 में से यदि हम लोग 3 माइनस करेंगे तो माइनस होगा, तो अब ये 1 क्या करेगा, अपने बगल वाले से उधार लेगा। तो 1 देखेंगे 10 और 1 11, 11 में से 3 जाएगा कितना होगा, 8। डेसिमल के ठीक नीचे डेसिमल का चिन्ह देना है, यहाँ कितना बचा और यहाँ ये हो गया। कोई दिक्कत?